हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिस कुकिंग। आज हम राजस्थानी दही वाली सांगरी की सब्ज़ी बनाएंगे। ये बहुत ही इजीली बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। ये सूखी सांगरी है, ये इस तरह से आती है, आप देख सकते हैं। सांगरी को मैंने कुकर में पानी के साथ 4 सीटी लगा के मीडियम फ्लेम पे कुक कर लिया है, तो इस तरह से हो जाएगी, फूल जाएगी। अब एक बाउल में मैंने हाफ कप दही ले लिया है और इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। दही अच्छे से फेंट लिया है मैंने और अब मैं इसमें जो हमने बॉईल करके रखी हुई सांगरी थी वो डाल दूँगी। इसमें मिक्स कर लेंगे इसको और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इस तरह से आप देख सकते हैं वैसा थोड़ा लिक्विड ही कर दूँगी। और इसको थोड़ा सा बाइंडिंग देने के लिए इसमें मैं 1 चम्मच के करीब गेहूं का आटा मिक्स कर लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक बाउल में मैंने 3 से 4 कली लहसुन को कूट लिया है और इसमें मैं नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक पेस्ट बना लूँगी। ये मसाले और लहसुन की पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अब एक पैन पर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है। तेल हमारा गरम हो चुका है तो अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। जीरा जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब हमने जो गार्लिक और मसाले की जो पेस्ट बनाई थी वो डाल देंगे। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और फ्लेम को हम अब लो पे रखेंगे और ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है तो इसको हिलाते रहें। मसालों ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है तो अब मैं इसमें सांगरी और दही का जो मिक्सचर था वो डाल दूँगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई रख के इसको हम कंटिन्यूअसली हिलाएंगे ताकि दही जो हमारा है वो फटे नहीं और सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से बन जाए। अब अच्छे से हमारी सब्ज़ी पक चुकी है तो अब मैं इसको लो फ्लेम पे थोड़ी देर कुक होने दूँगी। सब्जी ने अच्छे से ऑयल रिलीज़ कर दिया है तो अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी और उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये हमारी सब्जी ने तेल रिलीज़ कर दिया है तो हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। राजस्थानी दही वाली सांगरी की सब्जी रेडी हो चुकी है। आप इसको किसी के भी साथ सर्व करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही इजी और जल्दी बन जाती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।